चलो यार गाइस, 11th स्टैंडर्ड बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सब्सिडायरी बुक्स। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर न्यू टॉपिक सब्सिडायरी बुक्स। बराबर है, लेजर पिछला ही टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ था, हम लोग सब्सिडायरी बुक ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाओ सब लोग। सो लिखो टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5, सब्सिडायरी बुक्स। टॉपिक नंबर 5, सब्सिडायरी बुक्स। लिखा बेटा सभी ने? अब सब्सिडायरी बुक्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देन आ जा मुन्ना, लिखो मेरे साथ साथ सब्सिडायरी बुक्स के बारे में, है ना। बेसिकली सब्सिडायरी बुक्स आर द स्पेशल जर्नल। सर मतलब बता रहा हूँ, शांता बाई, रिलैक्स। स्पेशल जर्नल्स, सर स्पेशल जर्नल क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्योंकि बिकॉज इन दिस ओनली स्पेसिफिक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ स्पेसिफिक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ही हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जब कभी भी, प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना, जब कभी भी बिजनेस में एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन बार 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 हो रहे हैं, वेन एवर, लिखो मेरे साथ साथ, इन बिजनेस लिखना है, सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, बार 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 एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन रिपीट हो रहे हैं, तो उस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए एक सेपरेट बुक बना लेते हैं। देन वी रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन, उस टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए इन अ सेपरेट बुक। उस सेपरेट बुक को प्यार से सब्सिडायरी बुक बोलेंगे। एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन बिजनेस में बार 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 रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग एक सेपरेट बुक बना लेते हैं, उस सेपरेट बुक को सब्सिडायरी बुक बोलते हैं। सब्सिडायरी बुक ये सपोर्टिंग बुक है, सब्सिडायरी बुक्स आर द सपोर्टिंग बुक। सर किसको सपोर्ट कर रही है? लेजर को। सर कैसे? बताता हूँ, ध्यान देना। ये आपका लोकेशन है, ये है बिजनेस, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को हम लोग करते हैं रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या तो जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडायरी बुक्स में। अब आपको समझ में आया आपका लोकेशन क्या है? तो ट्रांजेक्शन या तो जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड होगा या तो सब्सिडायरी बुक में, दोनों में से कोई तो एक जगह। आज तक हमने ये सीखा जर्नल एंट्री बुक में कैसे रिकॉर्ड होता है। सर दोनों में से कोई तो एक जगह क्यों? भैया क्या दो दो बार अकाउंटिंग करेगा?
सो ट्रांजेक्शन होते ही सर फिर ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री बुक में लिखना है सब्सिडरी बुक में, उसी के लिए तो मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करना है, यस और नो, उसी के लिए तो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सो ट्रांजेक्शन होते ही वो ट्रांजेक्शन या तो जर्नल एंट्री बुक में आएगा या तो सब्सिडरी बुक में, या तो जर्नल एंट्री बुक में आएगा या तो सब्सिडरी बुक में, क्लियर। सो अब अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा, सब आ जाओ, बीट पकड़ना, ठीक है, चल चलो आ जाओ, स्टार्ट करो। ओके ध्यान देना बेटा। सो ये आपका लोकेशन समझ में आया ना, ये हमने देखा अभी तक, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग कैसे करते हैं ये भी देखा है ना, पोस्टिंग होता है लेजर बुक में, लेजर बुक में होते हैं अकाउंट्स, और ये सब्सिडरी बुक, अगर आपने ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया तो सब्सिडरी बुक की मदद से लेजर जल्दी से बन जाता है, इसीलिए सब्सिडरी बुक को सपोर्टिंग बुक बोलते हैं, लेजर को सपोर्ट करते हैं। पोस्टिंग के बाद हमने देखा बैलेंसिंग, मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड की कम है, तो बैलेंस इधर आएगा, उसका नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिख रहेंगे, और ये टैली हो गया तो आपका अकाउंटिंग सही है। लेकिन आप अभी कहाँ हो, आपका लोकेशन क्या है, जीपीएस लोकेशन, सब्सिडायरी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी सब्सिडायरी बुक पढ़ रहे हैं। सो आप अभी यहाँ पे हो, ये बात समझ आई सभी को। सो बिजनेस में होते हैं ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को करना है रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग करने के लिए दो जगह है, या तो जर्नल एंट्री बुक या तो सब्सिडरी बुक। सर ट्रांजेक्शन होते ही सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे प्राइमरी बुक बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं, तो क्या सब्सिडरी बुक भी प्राइमरी बुक है क्या जर्नल की तरह? हाँ सब्सिडरी बुक भी प्राइमरी बुक है जर्नल की तरह। सतीश एक सेकेंड, क्लियर है क्या बोलना है देखिए, क्लियर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। अब वो आप भैया मिल गए क्या, भैया भैया मिले क्या, हाँ साइकिल ऊपर ऑफिस में ले जाकर रख दो भैया के। ओके तेरे पास ही रहने, उसको बोल देना भैया के पास में रख दे बोलना ऊपर, और अगर भैया नहीं होंगे तो सिक्योरिटी गार्ड के पास रख दे, प्रायोरिटी भैया के पास में ऊपर सेकंड फ्लोर पे, नहीं होंगे तो सिक्योरिटी गार्ड, इधर मत लाना, क्लियर। चलो आगे आज। सो हम लोग देख रहे हैं बेटा सब्सिडायरी बुक्स, हम लोग क्या देख रहे हैं सब्सिडायरी बुक्स, आ जाओ। बट सर अभी भी है ना ऐसा क्लियर आइडिया नहीं आ रहा सब्सिडायरी बुक क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ ना सर, ये आपने बोला सेम नेचर के ट्रांजेक्शन अगर बार 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 हो रहे बिजनेस में, तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन एक सेपरेट बुक में लिखते हैं, उस सेपरेट बुक को आपने बताया सर सब्सिडायरी बुक बोलेंगे। सर जरा करके तो बताओ कैसे बनाते हैं, तो अभी बताता हूँ। लिख लिया है सभी ने, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और ये पूरा नीचे का भी लिख लिया आप सभी ने, राइट। चलो ध्यान देना, बीट पकड़ना, ठीक है। सो देखो ध्यान देना, मान लो बिजनेस में क्रेडिट परचेस के ट्रांजैक्शन बार बार हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बार बार हम लोग उधारी में माल खरीद रहे हैं, उधारी में माल खरीद रहे हैं, क्या
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बार बार उधारी में माल खरीद रहे हैं, माल यानी गुड्स, फॉर एग्जाम्पल बार 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 उधारी में माल खरीद रहे, बार 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 उधारी में माल खरीद रहे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स दे दिए आपको समझाने के लिए। ट्रांजेक्शन नंबर वन, गुड्स परचेज, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है उसमें उधारी में माल खरीदा हुआ है, बार बार हुआ है ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज फ्रॉम ए के एंटरप्राइज ₹1,000, बोलो ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है। ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, सेटलमेंट मतलब पेमेंट कर दिया नहीं किया उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो ये समझ जाओ उधारी का ट्रांजेक्शन है। दूसरा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम टोलूमल, ये तो उधारी का है तो लिखा हुआ ही है, ये तो उधारी वाला ही ट्रांजेक्शन है। तीसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम जलाराम ऑन क्रेडिट ₹100। ये देखो बार 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 क्रेडिट नेचर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बट कौन से क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमने उधारी में माल खरीदा हुआ बार 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 उधारी में माल खरीद रहे। और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स थे, बाकी कैश के थे, ये थे, असेट के थे, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, बार बार ये क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स है, तो ये सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है। कौन सा नेचर? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। कौन सा नेचर? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। मैंने बोला था ना बार बार सेम नेचर का ट्रांजेक्शन रिपीट हो रहा है, तो वो सेम नेचर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कौन सा है? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, बार बार उधारी में माल खरीद रहे हैं, तो इस टाइप के, किस टाइप के? इस टाइप के, किस टाइप के? इस टाइप के। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स बार बार हो रहा है, तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, बिजनेस में क्या होते हैं ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस को करते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड या तो जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडायरी बुक में, दोनों जगह पे नहीं, या तो यहां पे या तो यहां पे। मेरे पास दो रास्ते हैं इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का, या तो जर्नल एंट्री बुक या तो सब्सिडायरी बुक्स। सर हमें कैसे समझेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा बुक बनाना है। क्या हुआ? मान लो जर्नल एंट्री अगर करते तो क्या होती पहले वाले की, माल खरीदा एके एंटरप्राइज से, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू एके एंटरप्राइज ₹1,000, एके एंटरप्राइज हमारा क्रेडिटर बन गया ना, नरेशन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। दूसरा, परचेज किया उधारी में टोलू मल से, परचेज अकाउंट डेबिट टू टोलूमल क्रेडिटर बन गया। तीसरा, परचेज किया जलाराम से ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों थक रहे हो? बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, 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 एक ही नेचर का ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है, तो या तो जर्नल एंट्री बुक में ऐसे लिखेंगे ट्रांजेक्शन या फिर सब्सिडायरी बुक बना लेंगे। सब्सिडायरी बुक में कौन सी बुक बना रहा हूं मैं? परचेज बुक। कौन सी बुक बना रहा हूं? परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज बुक। परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, GOODS, गुड्स ओनली, GOODS गुड्स, वो भी कौन से गुड्स? कैश में खरीदे हुए नहीं, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स के लिए कौन सी बुक होती है? परचेस बुक ओनली। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सो आज के बाद अगर आपसे सवाल पूछे कि उधारी में माल खरीदा इसके लिए कौन सी सब्सिडायरी बुक है, उसको बोलना इधर आ बैठ,
उसके लिए है परचेज बुक। सो या तो ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करो या तो सेपरेट सब्सिडायरी बुक में, दोनों में से कोई तो एक जगह, दोनों नहीं करना है। सो ये परचेज बुक का फॉर्मेट बना लेता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट का कॉलम और ये अमाउंट का। सर ये फॉर्मेट चेंज हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिजनेस टू बिजनेस फॉर्मेट चेंज हो सकता है सब्सिडायरी बुक का। चलो अब देखो, परचेज बुक के अंदर में मैंने लिख दिया पहले एक तारीख को, पर देखो बार बार जर्नल एंट्री बुक में बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। बचपन में मैथ्स में क्या करते थे, जो भी कॉमन नंबर होता था उसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेते थे ना, बराबर है कि नहीं? 2x प्लस 3x, इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x ब्रैकेट के बाहर ले लिया और अंदर लिख दिया 2 प्लस 3। क्यों बार बार दो दो बार x लिख लिख के थक रहे हो, थक रहे हो, x कॉमन ले लिया। तो वैसे ही यहाँ पे बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, क्यों थक रहे हो? एक ही नेचर का ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है, उधारी में माल खरीद रहे बार बार, तो उसके लिए सेपरेट बुक बना लो ना, सब्सिडायरी बुक, परचेस बुक। परचेस बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, जर्नल एंट्री करने का काम नहीं, यहाँ पे लिख दो। अब देखो एक तारीख को किससे माल खरीदा? ए के से, ए के एंटरप्राइज, क्वांटिटी समझ लो थी एक, अमाउंट कितना हुआ? 1000। कितना आया फाइनल कॉलम में? 1000, ये फाइनल कॉलम है। इससे दूसरे में टोलूमल से माल खरीदा है ना, टोलूमल से यहाँ लिख दिया टोलूमल। सर आपने तो सिर्फ एक ही एंटरप्राइज लिखा, परचेस तो लिखा ही नहीं बेटा। परचेस बुक में लिखना मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। समझ लो टोलूमल से दो क्वांटिटी खरीदी, एक क्वांटिटी 250 की थी, बोलो कितना हो गया बेटा फिर यहाँ पे? 500 रुपये, आउटर कॉलम में 500 रुपये। सर ये एक ही रुपीज़ का कॉलम बनाए तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो क्वांटिटी थी समझ लो, 250 प्लस 250, ये लिख दिया मैंने 500, ठीक है, ये थी 1000। और उसके बाद में तीसरा और किससे खरीदा? जलाराम से। ये आपको समझाने के लिए मैंने मन से दो क्वांटिटी लिया, नहीं तो बच्चा और पूछेगा सर दो क्वांटिटी कहाँ से आई। जलाराम से लिया समझ लो एक क्वांटिटी 100 का, आउटर कॉलम में आ गया 100, टोटल हो गया 1500 और 100, 1600 रुपये ये हो गया टोटल। समझ लो ये जनवरी मंथ का था परचेज बुक, जनवरी मंथ का परचेज बुक था, टोटल 1600 का माल खरीदा, हो गया खत्म, सब्सिडरी बुक खत्म। जर्नल एंट्री करने की जगह हमने उस सेम नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट बुक बना दिया, उस सेपरेट बुक को बोलेंगे प्यार से सब्सिडरी बुक्स। सर सब्सिडरी बुक्स आपने यहाँ पे लिया परचेज बुक, और भी अलग अलग टाइप की सब्सिडरी बुक्स हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है बेटा। हल्लो हाय छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे लेक्चर के बीच में बोलते हल्लो, सारस बाग में आया घूमने के लिए, ध्यान दो बेटा, लेक्चर मधे लक्ष दे भावा, नंतर हेणशेन इकडे तिकडे डंजोवानी, एग्जाम मधे हल्लो बिल्लो सगळा निघून जाणार। चलते लेक्चर में बच्चा लिखता है हल्लो, चल लो ध्यान दो, ठीक है? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने सब्सिडरी बुक का। अब सब्सिडरी बुक यहाँ पे कौन सी बनाई मैंने? परचेज बुक। अब परचेज बुक में मैंने पार्टी का नाम लिखा, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इसका ये मतलब हुआ, परचेज बुक में जब भी आप लिखते हो तो उसका ये मतलब हुआ कि परचेस अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। और पार्टी अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। परचेस अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। और पार्टी अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। परचेस अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। पार्टी अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। परचेस अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। और पार्टी अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। ये बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, बार बार परचेस अकाउंट डेबिट, ये क्यों थक रहे हो? मैंने परचेस बुक बना दिया, तो देखो परचेस बुक में लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट परचेस डेबिट हुआ, तो डायरेक्ट सिर्फ पार्टी का नाम लिख दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्टी का नाम लिखो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ पार्टी का नाम लिखना है, क्लियर है? ये बात समझ आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज सबसे पहले एक बार पूछो बेटा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर? एनीबॉडी? राइट, पक्का? यहां तक एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट? डन, पक्का? सिंपल था। ये था सब्सिडायरी बुक का एक छोटू सा इंट्रोडक्शन। सर जैसे आपने परचेज बुक बनाया ऐसी और भी बहुत सारी सब्सिडायरी बुक्स है क्या? हाँ सर, जैसे परचेज बुक के अंदर में लिखना कोई भी पार्टी का नाम, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ और पार्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ ऐसा समझा जाता है, तो वैसे बाकी भी सब्सिडायरी बुक में ऐसा कुछ मीनिंग निकलता है क्या? हाँ सर। और एग्जाम्पल लेंगे क्या? भरपूर। कब लेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।